हेलो एंड नमस्ते फैम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मोटो गर्ल। तो यार आज मेरे को कुछ अलग ही फील हो रही है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं वी फोन लेके मोटो व्लॉग कर रही हूँ और मैं आज थोड़ा लॉन्ग टूर पे जा रही हूँ। टूर नहीं, बस सिलीगुड़ी टू जलपाईगुड़ी जा रही हूँ। उतना दूर नहीं है लेकिन मेरे लिए बहुत दूर लग रहा है वो, क्योंकि मेरे को ना नेकेड बाइक चला चला के मेरा आदत हो गया है, तो स्पोर्ट्स बाइक में थोड़ा मुझे टाइम लगेगा एडजस्ट होने के लिए। और नेकेड बाइक में आपको पता है कि थोड़ा कंफर्टेबल रहता है और स्पोर्ट्स बाइक में आपको थोड़ा झुक के चलाना पड़ता है, तो उसमें ना आपको समझ नहीं आता है मुझे क्या होता हूँ। मुझे ना डर भी लग रहा है, डर नहीं लेकिन एक होता है ना जो चीज़ आप फर्स्ट टाइम ट्राई करो उसमें थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल लगता है, तो बस वही है। और इतना हवा आ रही है ना तो मुझे समझ नहीं आ रहा साउंड कैसा आ रहा है, कैमरा का एंगल कैसा आ रहा है, और मेरा हेलमेट पे कुछ अंदर चला गया है, उसको मुझे निकालना है क्योंकि मैं वाइजर खोल के चला रही थी। और मैं अभी जा रही हूँ बागडोगरा से होके मेडिकल मोड होके मैं जाऊंगी जलपाईगुड़ी, और मैं जलपाईगुड़ी का रोड भी भूल चुकी हूँ कसम से। मैं बताऊंगी वो बाद में कि जलपाईगुड़ी मैं क्यों जा रही हूँ। और सबसे पहला काम जो है वो है मुझे नंबर प्लेट लगाना है, क्योंकि नंबर प्लेट आ चुका है। और चलो फिर वहीं पे जाके मैं डायरेक्ट मिलती हूँ आपसे। बस शोरूम के पास पहुँचने ही वाली हूँ। थोड़ा आगे भूल जाती हूँ मैं बार बार। लगेगी इस पे नंबर प्लेट, पता नहीं कैमरा का एंगल कैसा आ रहा है, फुटेज अगर अच्छा नहीं आया तो मैं डालूंगी ही नहीं। BM8902, ये तो मेरा पूरा नाम हो गया। BM मतलब विशाखा मिंच। चलो पहले कॉल कर दियो आरसी असले, ठीक है। चलो हो गया। अब मुझे क्या बनाना है, अब मुझे बनाना है पोल्यूशन। यहाँ पे कहीं पे पोल्यूशन का सेंटर था, मैंने देखा था, बट यहाँ पे ना इतना छोटा जगह है ना बाइक रखने के लिए प्रॉब्लम होता है। हाँ दिख गया, यहीं से बना लूँगी मैं पोल्यूशन। भैया पोल्यूशन पेपर बनाना है, पोल्यूशन पेपर। सो गाइस मैं अभी पहुंच गई हूँ मेडिकल मोड में और जितना भी काम था वो सब हो चुका है, जैसे कि पोल्यूशन पेपर और नंबर लगाना
और टैक्स पेपर, ये सब कुछ हो गया। अब बस एक ही काम बचा है, वो है फ्यूल। फ्यूल भरना पड़ेगा। और एक अच्छी बात यह है V4 की ज़्यादा फ्यूल नहीं लगती है इसमें, कंपेयर अगर मैं अपना ड्यूक से कंपेयर करूँ तो। और अभी पुलिस का डर भी नहीं है क्योंकि नंबर प्लेट लगने के बाद ही पोल्यूशन पेपर बना लेना चाहिए, अदरवाइज पुलिस को एक बहाना मिल जाता है कि नया गाड़ी है और अपने पोल्यूशन पेपर नहीं बनाया है। तो बस एक ही चीज़ नहीं है मेरे पास, वो है ऑथराइजेशन पेपर, क्योंकि ये जो गाड़ी है ये मेरे दीदी के नाम पे है। तो चलो मैं आपको नौकाघाट क्रॉस करके मिलती हूँ। ये आ गया सिग्नल। सर जलपाईगुड़ी किधर से जाना पड़ेगा? गजलडूबा होके जलपाईगुड़ी। जाओगे? हाँ ये जो गजलडूबा होके जाता था, गजलडूबा होके दूर पड़ेगा ना, तो सीधा सीधा। ठीक है ठीक है, थैंक यू। अभी रुकना पड़ेगा, ट्रैफिक है। गाइस सीधा जाना पड़ेगा मुझे। शॉर्टकट पड़ेगा मेन रोड से फुलपाड़ी होके आई थिंक, और वो अंबड़ी बाईपास होके वो रोड पड़ता है और ये सीधा फुलपाड़ी से होके। चलो क्या कर सकते हैं, इधर से ही जाते हैं। बट मैं सच्ची में जलपाईगुड़ी का रास्ता मैं भूल गई हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं बस में आती जाती थी तो इसीलिए। वहाँ पे कुछ कुछ मोड़ था, मुझे नहीं पता वो कौन सा मोड़, वहाँ से मैंने लेफ्ट ले लिया और अभी मैं हूँ जलपाईगुड़ी के रोड में और ये है 4 लेन। तो चलाने में काफ़ी मज़ा आएगा। भगा मेरा घर वाला अगर देखेगा ना ये वीडियो, मेरे को दूसरा दिन से ना चाबी अलमारी में बंद करके रखेगा, बोलेगा चल बेटा अब देखो चलाना नहीं पड़ेगा। क्या रोड है यार, फक 113 कब पहुंच गया गाइस, आपको पता है मैं 113 में चला रही थी एंड मेरे को पता भी नहीं। ऐसे में जलपाईगुड़ी तो क्या कोलकाता पहुंच जाऊंगी। एंड मेरा हाथ ना बहुत दुख रहा था बागडोगरा से लेकर नौकाघाट तक, अभी कुछ नहीं है ब्रो, अभी नो दर्द, नो दुख, नो दर्द।
मजे लो, मैं कुछ नहीं बोलने वाली। मैं जलपाईगुड़ी से मात्र 23 किलोमीटर दूर में हूँ और यहाँ से टोल गेट है सिर्फ 200-300 मीटर, और मुझे तो देना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये नया बना हुआ है। फिलहाल तो एक साल हो रहा होगा, 1-1.5 साल हो रहा है, क्योंकि मैं जब बाय द वे मैं जा रही हूँ अपना कॉलेज जलपाईगुड़ी आनंद चंद्र कॉलेज, मैं वहाँ से 2021 में पास आउट हो चुकी हूँ। और एक सेकेंड ना, मेरे को तो देना नहीं पड़ेगा तो मैं साइड से निकल जाती हूँ। अरे बाइक्स के लिए कोई अलग से नहीं बनाया क्या? कहीं से भी आ जा रहा है फोर व्हीलर। चलो, तो यहाँ मैं 2021 में पास आउट हो चुकी हूँ वहाँ से, और मेरा जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो नहीं लिया था मैंने, तो आज मैं जा रही हूँ लेने के लिए, क्योंकि अभी दे रहे हैं कॉलेज से, पता चला ऐसा। और क्योंकि और मुझे टाइम भी नहीं मिलता, आज मैं फ्री थी तो मैंने सोचा मैं चली जाती हूँ। तो गाइस मैंने फटाफट क्रॉस कर लिया है, और बस 2 साल पहले आई थी, हाँ 2 साल पहले आई थी, तो अभी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मुझे रोड। एंड ये फ्लाईओवर से बस मुझे एक ही चीज़ पता है, अभी मोहित नगर आएगा बस उसी से मुझे सीधा जाना पड़ेगा, बस इतना ही मालूम है। क्योंकि अगर फ्लाईओवर बन चुका है तो मैं फिर मेरा दिमाग घूम जाएगा। मैं पहुंची राजगंज पहुंच गई, और मुझे बहुत प्यास लगा है, तो कहीं अगर छोटा सा दुकान वगैरह मिला तो मैं पानी पीने के लिए रुकूंगी। यहाँ पे है, छोड़ो आगे, उसके बाद आएगा रानी नगर के बाद मोहित नगर, फिर वहाँ से अपना कॉलेज। मैं शायद पहुंचने वाली हूँ, अब किधर जाना पड़ेगा क्योंकि फ्लाईओवर दिख रहा है। मैं जब आती थी ना कॉलेज में, इतना रोड कंडीशन ख़राब था कि धूल मिट्टी बन के मैं जाती थी घर, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था ये रोड। अभी जब कॉलेज कंप्लीट हो गया तो अब इतना अच्छा बना दिया, बस ये धूल मिट्टी की वजह से मैं आना नहीं चाहती थी। फ्लाईओवर होके भी तो आ सकती थी। सो गाइज आप देख सकते हो अभी मैं पहुंचने वाली हूँ, यहाँ से ही लेना पड़ेगा मुझे टर्न, और ये जगह और वो जगह सेम ही है, तो इसलिए ना मैं कंफ्यूज हो गई थी। चलो कोई ना, अब नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। अभी मैं आई ना, अभी याद आ गया मेरा ये रोड, ये रोड के बारे में बोल रही थी। ये जलपाईगुड़ी बस 4 किलोमीटर दूर असम और 0, और जो हल्दीबड़ी वगैरह जाता है ना यही रोड से जाता है। फाइनली मैं ना घर से वही सोच के आ रही थी कि मैं किधर से जाऊंगी, क्योंकि मुझे रोड उतना अच्छे से मालूम नहीं था। अब जब बस पे आते हो ना तो आप उतना ध्यान नहीं देते हो कि किधर से जा रहे हैं किधर से नहीं, तो सेम केस मेरे साथ भी हुआ था। मैं यहाँ 3 साल थी, और यहाँ पे ये दुकान में चाय पीने आते थे हम लोग शाम को, अच्छा लग रहा है बहुत दिनों बाद इधर आके।
कॉलेज का ना दो गेट है पता है, एक वो गेट खुला है या नहीं, किधर से जाऊँ मैं, और यहाँ पे लेडीज हॉस्ट गर्ल्स हॉस्टल है, क्या बोल रही हूँ, गर्ल्स हॉस्टल है। ये है वो गर्ल्स हॉस्टल, ये तो खुला नहीं होगा, ये बंद ही रहता है। ये कितना का बनाया पता है, ये 2 करोड़ ना 3 करोड़ का गेट है ये, और बंद रखते हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ आपका 2-3 करोड़ का बाइक, अरे बाइक क्यों, 2-3 करोड़ का गेट बनाने का फ़ायदा क्या हुआ। फाइनली मेरा कॉलेज, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है अपने कॉलेज को ऐसे देखते हुए। दादा हाय, चिंता पर्चो क्या होना छो एटा आछे बाग डोगरा बाड़ी थे के ओए ओए साइड रखे दे घुराई नहीं एक बार। सो गाइस, ये है भैया हमारे यहाँ के कॉलेज यूनियन के भैया थे, अभी भी है। घुमा के रख देते हुए एक ही बार में, सो फाइनली। तो ये हमारे इसी कॉलेज के टीचर है, टीचर नहीं मतलब ऑफिस का स्टाफ है। हाँ 15 है एट ठीक अच्छा अच्छा। তাহলে আমার ভিডিওটা দেখো, তুমিও আসবে দেখো, তুমি আসছো কিন্তু ভিডিওতে, একটু হাই করে দাও ঠিক আছে। ঠিক আছে হ্যাঁ गाइस, ऑलमोस्ट सारा काम हो गया, और पेट्रोल मैंने डलाया इसलिए नहीं था क्योंकि दिखा रहा था 2 दाग, अभी 1 ही दाग हो गया, मैं 1 ही दाग में पहुंच गई। चलो अभी देखते हैं कहीं अगर कुछ खाना, भूख तो नहीं लग रहा है मेरे को, बस घर जाना है जल्दी से, अगर कुछ खाना है तो मैं खाऊंगी, अदरवाइज घर जाऊंगी। मैं फ्लाई ओवर होके चली जाती हूँ है ना, या ये सही रहेगा। तो गाइस अच्छे से मैं पहुँच गई थी, और अभी मैं अच्छे से घर भी पहुँच जाऊंगी। जा रही हूँ, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है इधर में, और मैंने कुछ
खाया नहीं है क्योंकि घर से मैं खाना खा के आई थी और बहुत अच्छा लगा यार, ये रोड इतना अच्छा है ना। एंड ये देखो अपना बाइक, अपना हेलमेट एंड सब कुछ है इधर में। एंड और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दो और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय।